कौन सा फूल है? इधर आओ इधर आयो, जल्दी आयो जल्दी। इधर 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 चलो, पीछे ले लो पीछे पीछे ले लो। आप सभी जानते हैं कि जो निरंकारी मिशन है एक रूहानी मिशन है, लेकिन इसके साथ साथ समाज कार्य भी करते हैं। और हर वर्ष फरवरी महीने गुरु पूजा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ जो किए समाज कार्य किए जाते हैं। कई दफ़ा वृक्षारोपण होता है, पीछे आपने देखा 250 के लगभग पौधे लगाए गए हैं। कई दफ़ा हॉस्पिटल की सफाई आती है, हमारे हिस्से में सेवा आती है, कभी रेलवे स्टेशनों की सफाई की जाती है, कभी हम शहरों की सफाई करते हैं। और इस वर्ष जो जल स्रोत हैं उनके तटों की सफाई का हमें आदेश आया था। जैसे जो तालाब हैं जहाँ गंगा तट है, जमुना तट है, समुद्र के तट हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पूरे वर्ष में ये सफाई अभियान चल रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग सभी ब्रांचों में ये सफाई अभियान चल रहा है। बहुत सारे ब्रांचों ने तालाबों की सफाई का लिया हुआ है। और हमारे कठुआ में वार्ड नंबर 2 की बावलियाँ और वार्ड नंबर 12 की बावलियाँ, जो लगभग 8 बावलियों का हमने जो सेवा हमारे हिस्से में आई है,
जो जो नवकारी मिशन के जो सेवादार हैं, ये सारी जो सेवाएं निभा रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी लगे हुए हैं जैसे सेवाएं करते हैं। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से के भक्ति के साथ साथ जो सामाजिक कार्यों के साथ हम जुड़े रहें और सतगुरु आशीर्वादों के पात्र बने रहें। धन्यवाद। 70वें आज़ादी के अमृत महोत्सव को सारा भारत वर्ष ने मनाया और इसी लड़ी में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसे प्रोजेक्ट अमृत कहते हैं, स्वच्छ जल स्वच्छ मन। ये कि ऐसी एक अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें पूरे भारतवर्ष में आज सफाई का अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें 1000 के करीब जगहों को लिया गया है, 710-730 के करीब जो है शहरों को चुना गया है और इसमें 27 राज्य जो है वो पूरे भारतवर्ष इस सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। हमारे जम्मू जोन में तकरीबन 18 ब्रांचेज जो हैं, संतरणकारी ब्रांचेज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कठुआ में कोई 8-10 ब्रांचेज जितनी भी हैं जिससे कठुआ की वो इसमें शामिल हैं। तकरीबन 2000 के करीब हमारे सेवादार जो वर्कर हैं उसमें वो काम कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो लिया गया है, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट रखा गया है वो ये है कि जल बचाओ और कल बचाओ, कि हमने जल को बचाना है, सुरक्षित रखना है जल को और आने वाली पीढ़ी को ये दिक्कत ना हो कि जल की कमी होगी है। और इसके लिए ये भी कहा गया, अमृत का शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है कि अमृत का शब्द इसलिए यूज़ किया गया है कि सभी ये जो झरने हैं, तालाब हैं और फिर ये बावलियाँ हैं, फिर समुंदर के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, सभी को स्वच्छ करना है, इसको बिल्कुल प्योर करना है और अमृत के ताकि ये अमृत की तरह बन जाए, ये जल भी जो है अमृत की तरह बन जाए, यही हमारा एक संदेश है सभी के लिए। तो आज ननकारी मिशन कठुआ संत ननकारी ब्रांच जो है पूज्य बी आर ननकारी की देख रेख में जो सभी अभियान जो है चला रही है और इसमें हमारे कठुआ के तकरीबन 500 से ज़्यादा जो सेवादार महात्मा हैं और संगत के भी इसमें जो महापुरुष जुड़े हुए हैं वो सभी अब सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा संदेश है कि आज जल को सुरक्षित रखना है, जल बचाओ और पल बचाओ। ये तभी हो सकता है जब हम जल को पूरे तौर पर ये जो किनारे हैं इनकी सफाई करें और जब ये सफाई रहेगी तो सब जल भी पवित्र रहेगा और मन भी पवित्र रहेगा। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं कठुआ में एक विद्यालय चलाता हूँ, संत निरंकारी मिशन का एक अनुयायी हूँ और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में, आप मेरी टी शर्ट पे यहाँ पढ़ रहे होंगे, रूहानियत इंसानियत संग संग, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये पावन संदेश पूरे जगत में है कि जहाँ रूहानियत के साथ साथ इंसानियत को संग लेकर हम समाज में विचरें, समाज में व्यवहार करें। और उसी के उपलक्ष में जैसे हमारे कठुआ ब्रांच के जो संयोजक महात्मा हैं आदरणीय श्री बी आर निरंकारी जी, उन्होंने आपको बताया कि ये पूरे जो भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें स्वच्छ जल स्वच्छ मन जो है वो अभियान के तहत आज ये निरंकारी मिशन के सेवादार, ये वॉलंटियर्स अपनी तन्मयता से सेवाएं कर रहे हैं। शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे इस गंदे नाले में किस तरह से बदबू भी आ रही है, लेकिन पूरी तन्मयता से अपनी सेवाएं सदगुरु के आशय के अनुसार की जा रही हैं। और इसमें हम सब जितने भी मिशन के अनुयायी हैं वो सुकून महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारे गुरु का आदेश है कि हमने समाज में जहाँ सामाजिक कार्य जैसे अभी बताया गया वो भी करने हैं और उसके साथ साथ जो रूहानियत का दायरा है, जो ये प्रभु परमात्मा है, इसके साथ जुड़कर जीवन जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद।